सो क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, और आज ही हम लोग कैलकुलस चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे, है ना। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज होगा उसका। ओके बच्चों, सो इक्वेशंस का मतलब हुआ कि जो भी पॉइंट का पाथ कर रहा है, जो भी एक लाइन जैसे है या कर्व्ड पाथ है, कर्व्ड है, उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में एक सर्टेन रिलेशन होगा, उसी रिलेशंस को हम कहेंगे इक्वेशन, है ना। सो बच्चों मान लो कि देखिए स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन देता हूं कि ये सपोज वाई एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है और ये डिस्टेंस है सी, और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है थीटा, और टैन थीटा का हम लोग बोलते हैं स्लोप, एंड वी रिप्रेजेंट इट लाइक बाय एम, ठीक। मुझे इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना है। सर इक्वेशन क्या होता है, मान लो इस लाइन पे कोई पॉइंट है पी एक्स कोमा वाई, सो एक्स और वाई में क्या रिलेशन है। ओके बच्चों, इस सी को हम लोग बोलेंगे ना वाई एक्सिस पे जहां लाइन कट करा है, इसको बोलते हैं बच्चों वाई इंटरसेप्ट। देखते हैं बच्चों, ये पॉइंट इस लाइन पे है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स, और ये है वाई कोऑर्डिनेट। चाहे बच्चे ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल सा है, कैसे इक्वेशन हम लोग निकालते हैं वी विल लर्न। बच्चों एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किया, ये वाई एक्सिस के पैरेलल, ये एंगल 90 डिग्री है। बच्चों कैन यू फाइंड कि ये कितना होगा, दिस इज सी, दिस होल इज वाई, सो दिस वाई माइनस सी, वाई माइनस सी। बहुत ही बढ़िया। अब अगर मैं पूछूं कि फाइंड इन दिस ट्रायंगल टैन थीटा क्या होगा, सो यू विल से दैट टैन थीटा से क्या होगा, दिस अपॉन वाई माइनस सी अपॉन एम, वाई माइनस सी अपॉन एक्स। एक्स बहुत बढ़िया। इसी टाइम थीटा को हम लोग बोल देते हैं बच्चों स्लोप, एंड वी रिप्रेजेंट इट बाय एम, एम लिख दिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, वाई माइनस सी दैट इज इक्वल टू, ये एक्स इधर आ गया, एम इंटू एक्स, सो वाई इज इक्वल टू आ गया एम एक्स प्लस सी, एक रिलेशन आ गया। बच्चों इसी की बात कर रहे थे कि एक रिलेशन है वाई और एक्स कोऑर्डिनेट में इस लाइन के हर पॉइंट का, क्लियर। इस इक्वेशंस को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हिच स्लोप इज एम एंड वाई इंटरसेप्ट जो थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा पूरा, यहाँ तक लिख लो, सारे बच्चे लिख लें। सर सी सर मतलब कि एक लाइन के दो पॉइंट्स दिए तो उससे हम उसका क्या बोलते हैं इक्वेशन निकाल सकते हैं ना इजीली, एकदम निकाल सकते हैं। हम लोग एक एक करके देखेंगे। अभी जो पहला हम लोग इक्वेशंस निकाल रहे हैं ना, इसको बोलते हैं बच्चों फर्स्ट टाइप का, दिस इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। सो अगर इस फॉर्मेट में है तो इसको बोलेंगे स्लोप और इसको बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट। इज इट क्लियर? यस। अब देखना बच्चों, स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है ना। वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक स्ट्रेट लाइन ये है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन वन, है ना, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन टू,
ओके सो वन का स्लोप और इंटरसेप्ट एकदम सही बता रहे हो। मैं ऐसे कॉलम फिल करने के लिए दे दिया कि लाइन स्ट्रेट लाइन वन का स्लोप क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव? इंटरसेप्ट निगेटिव है। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर। सेकेंड लाइन, ये सेकेंड लाइन है बच्चों, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है? लुक एट हियर, लुक एट हियर, ऑब्ट्यूस एंगल, नेगेटिव सर, स्लोप नेगेटिव है और वाई इंटरसेप्ट क्या है? पॉजिटिव। 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 ये लाइन देख करके हमने बता दिया है ना। तो यहां तक समझ में आ गया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों एक इक्वेशंस लिखते हैं और बताना सर कि इसका वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, उसका स्लोप क्या होगा। दिया हुआ बच्चों एक इक्वेशन, एक स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन है। व्हाट इज स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन? थ्री। थ्री। थ्री सर। व्हाट इज वाई इंटरसेप्ट? है ना। अब बच्चों अगर इस लाइन को मैं ड्रॉ करने के लिए कहूं कि ये ड्रॉ दिस शो द लाइन, है ना, तो तुम्हें क्या दिखाओगे, कैसे दिखाओगे? कहोगे सर वाई इंटरसेप्ट प्लस फाइव है तो ऊपर से स्टार्ट करेगा, ऐसा कुछ रहेगा बच्चों, ऐसा है ना। अगर मैं पूछूं कि एक्स एक्सिस एंगल थीटा बना रहा है, सो व्हाट इज द टैन थीटा? यू विल से दैट टैन थीटा इज 3। एम आई राइट? Yes, sir. No. Yes. अब मैं पूछूं कि एक पॉइंट है यहाँ पे, इस लाइन पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 1 है। एक पॉइंट लाइन पे लिया, बहुत सारे पॉइंट, एक पॉइंट लिया जिसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 1, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है इस पॉइंट का? 8। प्रोफेसर बहुत ही सिंपल है, एक्स जब 1 है तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 1 + 5। एम आई राइट बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। ये y कोऑर्डिनेट 8 हो जाएगा। सारे बच्चों को समझ में आया? सर एक बार रिपीट करिए ना। हाँ सर एक बार रिपीट। इस लाइन पे रिपीट कर रहा हूं बच्चों, इस लाइन पे एक पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट है 1, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा सर? 8। एक्स की वैल्यू पुट अप करनी है ना सर? हाँ, तो इसमें क्या करना है, एक्स और वाई में रिलेशन है, जब हमें एक्स का वैल्यू पता है तो वैल्यू पुट कर देंगे तो वाई का वैल्यू आ जाएगा। यही तो इसका ब्यूटी है, यही तो इसी का मतलब हुआ इक्वेशन दिया हुआ। तो इफ वी नो वन कोऑर्डिनेट वी कैन फाइंड अदर कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। एम आई राइट बच्चों? Yes. चलो तो देखते हैं दूसरा सवाल कौन बताता है। 2x + 2x - 3y + 8 = 9 = 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। व्हाट इज स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन? देखते हैं कौन बच्चा बताता है सबसे पहले। व्हाट इज स्लोप ऑफ टू सर? 2/3 कुछ बच्चों ने बताया, कुछ बच्चे 3/2 बोले। बच्चों सबसे पहले करना क्या है, मुझे स्लोप बताना है, तो हमें इसको इस फॉर्मेट में लिखना है, इस फॉर्मेट में, है ना। क्या ये इक्वेशन इस फॉर्मेट में है? कहोगे नहीं सर, यहाँ पे सिर्फ y है तो इसको सिर्फ y को ले आते हैं, तो ये 3y को इधर लेके चले जाते हैं बच्चों। सो 3y = can we write 2x + 9,
लेकिन यहां तो सिर्फ y चाहिए बच्चों, 2 by 3 into x plus 9 by 3. Yes. अब देखो ये इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, अब देखना कितना आसान है. मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसको नहीं समझ में आएगी. Can we write this equation in this term, this way? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now we are comfortable. What is m? 2 by 3. सर अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास होगी उसका y इंटरसेप्ट जीरो होगा ना? ओरिजिन से पास करेगा तो उसका y इंटरसेप्ट जीरो होगा. जैसे कोई सवाल कर दे कि y is equal to 3x, तो ये कहां से पास कर रहा होगा? ओरिजिन से पास कर रहा होगा. यस सर. y इंटरसेप्ट जीरो. x इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे, जब x जीरो पुट करोगे तो y भी जीरो आ जाएगा. पुट हियर, ओरिजिन से पास करेगा. एम आई राइट? मतलब इंटरसेप्ट 3 है ना? यस सर. इंटरसेप्ट जीरो. यस सर. सर मतलब स्लोप इनडायरेक्टली ये बताए ना, बताता है ना कि y y कोऑर्डिनेट कितने रेट से बढ़ा है. यस yes. स्लो बताता है y कोऑर्डिनेट किस रेट से बढ़ रहा है. सर इस फॉर्मूले में सिर्फ लीनियर इक्वेशन से चलेंगे? हाँ, जो लीनियर इक्वेशन रहेगा वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और क्वाड्रेटिक रहेगा दूसरा रहेगा तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं, पैराबोला, एलिप्स होगा. वो सारी चीज आगे पढ़ेंगे हम लोग, तभी सिंपल सिंपल चीजें पढ़ रहे हैं बच्चों, बहुत सिंपल चीजें पढ़ना है. सो एक और इक्वेशंस लिख लेते हैं, है ना? x plus 2y plus 6 that is equal to 0. इस लाइन को तुम अपने दिखा सकते हो कि कैसा लाइन होगा? इधर होगा, इधर होगा, कैसा होगा? कैन यू शो दिस लाइन? सर लाइन नेगेटिव 3 से पास होगी वाई कोऑर्डिनेट पे. तो इसको अगर देखोगे तो इसको सिंपल सा लिखने की कोशिश करोगे, 2y को इधर लेके चले जाओ, स्लोप 1/2 आएगा, -1/2 -6. बहुत बढ़िया, किसी ने बताया, बहुत कॉन्फिडेंटली बताया, स्लोप जो जाएगा वो माइनस हाफ थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, -3 -3. और y इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है बच्चों, है ना? थर्ड क्वाड्रेंट. तो यहां से जाएगा और स्लोप कैसा होगा? ऊपर नहीं जाएगा, कर्व नीचे जाएगा, है ना? यस सर. ऐसा x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा? मोर देन 90. सर वो तरीके से हो गया, ये 2 इधर दिख गया ना, 2 3 6. तो विल 2 तो कट हो जाना चाहिए. आई वाई ऑप्ट इन करने के लिए टू से डिवाइड करना पूरा इक्वेशन. ये 2 इधर जाएगा तो आएगा ना 6/2, कितना होगा? एक्सक्यूज मी सर. हां बोलो सर. आपने वो लाइन कैसे कंस्ट्रक्ट की थी एक बार वापस बताएं. हमने देखा कि स्लोप नेगेटिव है और यस सर भी नेगेटिव है, तो हमने ऐसे बनाया. सबसे पहले y इंटरसेप्ट देख लिया, कहां? यहां पे है. अब लाइन कैसा हो सकता है? ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है ना, ठीक है ना? सो अगर ऐसा ड्रॉ करता तो स्लोप क्या हो जाता? x एक्सिस से पॉजिटिव एंगल बनाता, एक्यूट एंगल बनाता, स्लोप पॉजिटिव होता. स्लोप पॉजिटिव था क्या? नो सर. नो सर. x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा? मोर देन 90 अप टू एंगल, है ना? आई होप कि समझ में आ गया होगा अभी. यस. स्लोप नेगेटिव रहेगा तो मोर देन 90 बनाएगा, और पॉजिटिव रहेगा तो लेस देन 90 बनाएगा. यस यस.
अच्छा सपोज ये एक इक्वेशन है, टू वाई कर टू फोर एक्स माइनस फाइव है ना। अच्छा बच्चों ये शायद मैंने कल के क्लास में बताया नहीं था, x एक्सिस का कोई भी पॉइंट है तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, x एक्सिस के किसी जीरो होगा, जीरो होगा, जीरो होगा, और y एक्सिस के किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x एक्सिस जीरो होगा। यहाँ तक तो ठीक है, गुड। बच्चों मान लो ये इक्वेशन है, पूछा जाए कि एट व्हाट पॉइंट दिस लाइन विल इंटरसेक्ट द x एक्सिस, फाइंड फाइंड x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट y को जीरो लेंगे। हाँ वेयर द लाइन टू वाई प्लस फोर एक्स, टू वाई इक्वल टू फोर एक्स माइनस फाइव इंटरसेप्ट द एक्स एक्सिस माइनस टू पॉइंट फाइव, माइनस टू पॉइंट फाइव सर एक्स को जीरो ले लेंगे और वाई की वैल्यू माइनस फाइव बाई टू, फाइव बाई फोर कॉमा जीरो, टू पॉइंट फाइव। तो किस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो बच्चों एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है तो उसका क्या पता है, यहाँ 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 अलग पॉइंट का अलग एक्स कोऑर्डिनेट होगा, बट व्हाट विल बी द वाई कोऑर्डिनेट, जीरो होगा, कोशिश करूं तो ये शायद ऐसा कुछ लाइन होगा बच्चों, क्योंकि y इंटरसेप्ट देख रहे हो, y नेगेटिव है, यस सर, तो y नेगेटिव है, 2.5 बाई 2 आ रहा है, माइनस 5 बाई 2। सर वो स्टेटमेंट क्या लिखा है, रिपीट करो एक बार। मैंने लिखा ये फाइंड x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट where the line 2y is equal to 4x minus 5 intersect the x-axis. Clear? Yes, sir. तो बच्चों वो पॉइंट कैसे निकालेंगे, कहोगे कि x-axis को इंटरसेक्ट करा, दैट मीन्स इसका y कोऑर्डिनेट जीरो है, इस इक्वेशन में y का वैल्यू जीरो पुट कर दो, 4x minus 5 आ जाएगा, x is equal to आ जाएगा 5 by 4, 4, 5 by 4, कितना सिंपल सा सवाल है ना, बच्चों एकदम हम लोग बेसिक बेसिक से पढ़ेंगे और धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ते जाएगा। अब बच्चों आते हैं हम लोग, सर 5 by 4 पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लिया सर, नेगेटिव नहीं आया, पॉजिटिव आया ना सर, आगे बढ़ते हैं। जो लेट ज्वाइन हुए उनका थोड़ा सा अभी ट्यून अप में भी टाइम लगेगा है ना, मेरी हैंडराइटिंग भी कुछ कुछ बच्चे पहचानना शुरू कर दिए होंगे कि हाँ सर क्या लिख रहे हैं, जो पुराने बच्चे हैं 5-6 दिन पुराने। बच्चों आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ा इंटरसेप्ट एंड स्लोप फॉर्मेट का, अब हम लोग पढ़ेंगे टू पॉइंट फॉर्मेट। या इससे पहले कहते हैं पॉइंट एंड स्लोप फॉर्मेट, पॉइंट स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्मेट है ना। इसका मतलब हुआ बच्चों कि एक पॉइंट दिया रहेगा कि जिससे वो स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है और उसका स्लोप दिया रहेगा। तो सपोज एक पॉइंट दिया हुआ एक्स वन कॉमा वाई वन, इससे पास कर रहा स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप इज, मान लो एक पॉइंट है कोई ये P और इससे पास कर रहा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, मान लो मैं कोई एक और पॉइंट ले लेता हूं यहां पे है ना जनरल पॉइंट, सो इसका x कॉमा y है कोऑर्डिनेट जनरल पॉइंट का, x1 y1 कांस्टेंट है बच्चों,
तुम कहोगे सर आप बताओ एक चीज कि अगर ये x1 y1 कोऑर्डिनेट है तो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1। सारे बच्चे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये क्वांटिटी हो जाएगी x एंड दिस विल बी y। मैं क्या करता हूं बच्चों, मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, ये 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है। बताओ टैन थीटा का वैल्यू दिया है क्या? यस दिया हुआ है। कितना है m? Yeah. M. मुझे तो पता है टैन थीटा क्या होता है, दिस अपॉन दिस। कैन यू फाइंड व्हाट इज दिस? दिस इज y अपॉन y माइनस y1 y माइनस अपॉन ये x माइनस x माइनस x x minus x one. So बच्चों क्या equation हो गया देखने आ से? Y minus y one that is equal to m into x minus x one. This is equation of a straight line. Yeah. Fine. Equation of a straight line passing through point P is equal to 2, 3 and making an angle 45 degree with x axis. What will be equation? सर ये पॉइंट y माइनस y1 विच इज 3, दिस इज इक्वल टू m, m कितना हो जाएगा tan 45 डिग्री x माइनस x माइनस 2 x1 2। बच्चों ये कितना x माइनस y प्लस 1 बचपन में हम लोग पढ़ते थे ऐसा ही सवाल, 1 into x माइनस 2 x प्लस 1, am I right बच्चों? X is equal to m is equal to 5 आता है। Y equals to x plus 1 होता है। तो एक बार रिपीट कर दीजिए। Sir, can we write like this x minus y plus 1? Yes. Sir, x axis पे y 0 हो जाएगा ना sir? X axis पे y coordinate x axis के सारे point का y coordinate 0 है। Sir, y की जगह 0 दिया हुआ है कि वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, एक्स एक्सिस से एंगल 45 डिग्री बना रहा है, इसका इक्वेशन लिखना है। दुनिया का सबसे आसान सा सवाल, इससे क्या आसान हो सकता है? वाई माइनस वाई वन वाई माइनस थ्री एम टैन 45 एक्स माइनस एक्स वन टू हो गया। तो मैंने ये सही लिखा कि नहीं लिखा? Yes, sir. Yes, sir. सर वो x एक्सिस के साथ 45 डिग्री बनाया ये बताया क्या? जयदीप तो ध्यान से सुनता नहीं यार, सवाल ज्यादा पूछता है सर। मुझे लगा वो सेकंड पॉइंट x एक्सिस पे, इसलिए मैंने y की वैल्यू 0 ले ली थी सर। मैंने क्या लिखा है? इट इज मेकिंग समझ गया बाकी पूरा 45 डिग्री विद x एक्सिस। ये क्या बताना चाह रहा है, ये लाइन क्या बता रहा है जयदीप? उसका स्लोप 45 डिग्री बना रहा है x एक्सिस से, मतलब स्लोप क्या लिखोगे ये बताने की चाह रहा है ना? स्लोप पॉजिटिव आएगा, स्लोप पॉजिटिव आएगा। कितना आएगा? tan 45 लिख लो। दैट मींस पॉइंट दिया रहेगा x1 कॉमा y1 से पास कर रहा है एंड दूसरा पॉइंट x2 कॉमा y2 से पास कर रहा है और उसका इक्वेशंस पूछेगा, बहुत ही सिंपल सा। और मैं इसमें ज्यादा हिंट नहीं बता रहा हूं, तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे। ये पॉइंट है P x1 कॉमा y1, ये पॉइंट है Q x2 कॉमा y2 और ये पॉइंट है कोई पॉइंट है m सपोज x कॉमा y, उस लाइन पे जनरल पॉइंट।
सिमिलरली तुम क्या करोगे इसमें इक्वेशंस डिराइव करने के लिए बता रहा हूं, ये लाइन हो जाएगा वाई वन, ये हो जाएगा एक्स वन, यहां से ऐसे ड्रॉ कर लो, दिस इज वाई टू एंड दिस इज एक्स टू, ओके, और यहां से ड्रॉ कर लिया, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, ओके, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। मैं बहुत फास्ट में बता रहा हूं बच्चों, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में देखो, इफ यू राइट टैन थीटा हियर, दिस विल बी हाउ मच, x2 minus y2 minus y1 upon x2 minus x1 x2 minus x1 x1, है ना, और यही tan theta है बच्चों, यही स्लोप है ना, और अगर इससे लिखोगे tan theta तो ये हो जाएगा बच्चों y minus y2 upon x minus x2 x minus x2। तो बच्चों सिंपल से हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू दिस, सो आ जाएगा वाई माइनस वाई टू, इसको इधर लेके आ जाते हैं, दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स टू, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, दैट्स इट, यही हो गया तुम्हारा इक्वेशन, और बच्चों यही तुम्हारा है स्लोप, ओके, तो यहां तक मैं समझा दिया, ये बहुत आसान है सवाल, बहुत ही आसान सा चैप्टर है ये, हमें बस छोटी छोटी चीजें जानना था इसमें, मिटा दो इसको, ये चीजें टेंथ में पढ़ाई है, टेंथ में पढ़े हो ना, क्या बात, फिर ये तीनों ट्रायंगल के थीटा लेके बना सकते हैं ना, हाँ कोई भी ट्रायंगल, सर सर, हाँ बोलो सर, अभी हमने जो टू पॉइंट फॉर्मेट में लिखा सर, सर उस देयर इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड बी, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना है ना बच्चों, कहोगे सर कितना सिंपल सा है, वाई माइनस वाई टू ले लो या वाई वन ले लो, कोई एक ही लेना है ना, वन बाई टू, सो वाई माइनस y1 4 minus 3 upon 2 minus 0 that is equal to y2 3 minus 4 upon x2 minus x1 or x minus x1। मैंने अभी जो फॉर्मूला लगाया बच्चों, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1, ये फॉर्मूला, ये सॉल्व हो गया, y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाय 2 x माइनस 2, यहां से आ जाएगा 2y minus 8 x minus 2, है ना, x minus 2y, इसको इधर लिख ले जा रहा, प्लस 6, प्लस 6 दैट इज इक्वल टू, चलो माइनस 1 आएगा ना, 3 minus 4 माइनस 1 आएगा, दम सही बताया, माइनस आपने वहां पे 1 by 2 एक, शिवानंद तो ध्यान नहीं देता, शिवानंद जयदीप आधी चीजें सुनता है, यू शुड फोकस सर, माने यहां पे क्या है, हेलो शिवानंद, जीरो माइनस टू तो यहां पे माइनस टू, यहां पे माइनस वन है, तो इसको लिख सकते हैं क्या शिवानंद, क्लियर, तो वन बाय टू लिखते हैं, वन बाय टू क्लियर, ये हुआ दोनों जगह माइनस है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो बच्चों स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया, और हम लोगों ने आज प्रॉमिस किया था कि कैलकुलस में शिफ्ट करेंगे, बच्चों थोड़ा बड़ा कभी मैं सर्कल का भी क्वेश्चन बताता हूँ, बट तुम लोग पढ़ लोगे, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं हमें, या बता दूं,
चलो बता देता हूँ क्या सर, थोड़ा सा बता देता हूँ, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल कहीं ऐसा मान लो जरूरत पड़ गया बच्चों, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, जैसे मान लो ये सर्कल है और इसका रेडियस सपोज है आर, सर ये करवा दिया था, करवा दिया था, ठीक है फिर से बताता हूँ, इसका रेडियस है आर और इस सर्कल का एक कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, तो क्या रिलेशन रहेगा बच्चों, है ना, तो ऑरिजिन से ये डिस्टेंस आर है तो इसका लिखेंगे इस पॉइंट एक्स वाई और आर में क्या रिलेशन होगा, तो यू विल से दैट स्टेटमेंट रिपीट करो, दिस इज इक्वेशन ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ सेंटर एट ऑरिजिन, ठीक ना, अब कहोगे okay, सर्कल यहां पे है जिसका रेडियस सपोज आर है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेंटर जो है वो एक्स वन कॉमा वाई वन, तो इसका क्या होगा रिलेशन इक्वेशन, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं बच्चों, x माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है, अब एक सवाल ले रहा हूं बच्चों ये क्लियर, सर एक बार वापस शिवानंद, यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर सेंटर कहाँ पे है x1 comma y1 तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, ये x माइनस x1 r का वैसे नहीं होगा r माइनस r1 r स्क्वायर, r इज द रेडियस, चलो यहां तक लिख लो बहुत ही सिंपल सा, फाइंड नहीं सर equation of a circle is देखते हैं कौन सा बच्चा इसका सही से जवाब देता है, बहुत बढ़िया, और कोई मल्हार 20 बच्चों नहीं समझ में आएगा तो बताना है, जैसे शिवानंद पूछते और भी बच्चे जिनको नहीं समझ में आ रहा, 2.0 2.0 सारे बच्चे कंफर्टेबल हैं या कोई किसी को दिक्कत आ रही है, अर्चिसा नो सर नहीं समझ में आया सर, नहीं समझ में आया बहुत बढ़िया, बता देता हूँ किसको किसको नहीं समझ में आया, नितिन नितिन शिवाले को नहीं समझ में आया, आदित्य महाले को नहीं समझ में आया, स्वानंद पाटिल को नहीं आया, अथर्व दुबे, आर्यन शिवाले, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया, क्या बात है, चलो एक्सप्लेन करते हैं ना, मुझे लग रहा था कि थोड़ी शांति थी, 9-10 बच्चे आए,
बच्चों ये ऐसा सर्कल है ना, इसका सेंटर सेंटर का कोऑर्डिनेट है एक्स वन कॉमा वाई वन, और मैंने कहा इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस, दिस इज द इक्वेशन। बच्चों क्लियर ये? यस यस सर। हम मैंने कितना सिंपल सा सवाल किया, बहुत ही सिंपल सा, कि एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, सॉरी सर्कल दिया हुआ है, x माइनस टू का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन। मैंने पूछा फाइन कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंटर, इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट्स बताना। अब बच्चों इतना मैं तुमसे एक्सपेक्ट करूंगा, आदित्य महाले, जयदीप, शिवानंद, फ्रॉम दिस यू कैन राइट दिस एज एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस इस फॉर्मेट को ध्यान में देकर के वाई माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर, सॉरी दिस इज इक्वल टू थ्री स्क्वायर। अगर तूने यहां लिख दिया तो x1 के जगह पे क्या है, सेंटर का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, x1 के जगह पे क्या है बच्चों 2, 0, y1 के जगह पे क्या है 0 है, 0, और रेडियस के जगह पे क्या है 3, 9, 3। क्योंकि तुम लोग तो ब्रिलियंट बच्चे हो यार, इतना तो बता ही सकते हो। या तुम कहोगे कि नहीं सर दिक्कत हो रही तो और मैं थोड़ा स्लो हो जाऊं, So, एक और सवाल लेते हैं, देखते हैं इस बार कौन बच्चा सही सही बताता है। -3, -3, -3, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा -3, 1। Everyone comfortable with this? Yes. Yes, yes. sir. Yes. Yes, sir. Radius 10 ho gaya ki radius root 10 ho gaya? Root 10. Radius? Root 10 ho gaya. Root 10 ho gaya. Chalo. Toh mujhe lagta hai ki sabko samajh mein aa gaya. Hai na? So mathematics ka ek alag branch padhne wale hai jo tum log abhi tak nahi sune hoge ya just sune hoge apne doston se. Kya hota hai? अभी आइडिया नहीं होगा बहुत ज्यादा, और जेई के प्रिपरेशंस के लिए सबसे बड़ा ये है कह सकते हैं पार्ट है, दैट इज कॉल्ड कैलकुलस। कैलकुलस नया चैप्टर है, पार्ट है ये मैथमेटिक्स, ठीक। चलो कुछ मैसेज आया सर, प्लीज टुडे लिखने क्या नए पेज पे। हाँ बच्चों कुछ पूछ रहे थे हिमांशु, बताओ सर चैप्टर है क्या नया कैलकुलस? यस नया चैप्टर है, एग्जैक्टली मैथमेटिक्स का एक बड़ा सा पोर्शन ये है ना। मैथमेटिक्स में जब तुम पढ़ोगे तो अलजेब्रा पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, वैसे ही कैलकुलस सबसे ज्यादा वेटेज जो है कैलकुलस का, ठीक है। तो बच्चों ये इसका दो पार्ट होता है, हमें बेसिक्स पढ़ना है जो फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी कैलकुलस का। एक पार्ट है बच्चों डिफरेंशिएशन। सर कैलकुलस हेडिंग बेसिक मैथमेटिक्स में डालना है? हाँ हाँ बेसिक मैथमेटिक्स में, ठीक। और दूसरा पार्ट है बच्चों इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। कैलकुलस के दो ब्रांच डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। सो रफली बच्चों 3 लेक्चर्स हम लोग इस पे लेंगे और रफली 3 लेक्चर्स इस पे लेंगे, एंड फिजिक्स में इसका बहुत यूज आएगा। तो बच्चों अभी तक जितना ध्यान दे रहे थे उसकी जरूरत पड़ेगी, जितना इसके पहले पढ़े थे है ना, ट्रिगोनोमेट्री
ट्रिगोनोमेट्री का यहाँ पे एप्लीकेशन आएगा, यूज आएगा उसके कॉन्सेप्ट का जो हमने सीखा, तो पीछे के चीजों को रिवाइज भी कर लेना। हालांकि यहां मैं बताते जाऊंगा किसका ये है, ठीक है, कुछ नए बच्चे भी ज्वाइन हुए हैं। सो पहले तो वी विल डिस्कस कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन। सो वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज डिफरेंशिएशन, है ना। तो अभी हम लोग आज का लेक्चर्स देखते हैं कितना तक हम लोग पहुंचते हैं। आज के लेक्चर्स में हम लोग यही पढ़ेंगे, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, जो टफ पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए, जिसको नहीं भी समझ आया तो चलेगा, अच्छा करने के लिए समझना जरूरी है। और दूसरा पार्ट बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू डिफरेंशिएट, मतलब कैलकुलेशन पार्ट, जो होमवर्क देंगे कि हाउ टू डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करो, सॉल्व करो, सवाल सॉल्व करना। इस डिफरेंशिएशन को हम तीन पार्ट में बांट रहे हैं बच्चों। पहला पार्ट है व्हाट इज डिफरेंशिएशन, दूसरा पार्ट हाउ टू डिफरेंशिएट, वी विल लर्न फॉर्मूला टेक्निक कैसे सॉल्व करना है, एंड तीसरा पार्ट एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। है ना बच्चों। सो आज का लेक्चर इस पे जाएगा, पिछले नेक्स्ट लेक्चर इस पे जाएगा, और लास्ट लेक्चर तीन लेक्चर में हम फिनिश करेंगे। Is it clear to all? Yes, sir. Yes, sir. Similarly, integration में भी वही रहेगा, what is integration, how to integrate and its application. Application part तो पूरे physics में हम आगे देखेंगे ही, हम अभी बस basics देख लेंगे यहाँ पे, and mainly हमारा focus होगा, बच्चों, तुम्हें तुमसे expectation होगा कि ये part comfortably, इसमें comfort zone में आ जाए। यहाँ पे सिखाने का मतलब यही है, हालांकि मैं कोशिश करूंगा ये भी समझाने का, ये भी समझना है, कुछ बच्चों को दिक्कत होगी जैसा कुछ रिस्पॉन्स अभी क्लासेज में आ रहे हैं, सो वो बच्चे परेशान ना हो इसके लिए, इसमें हम दिक्कत नहीं आने देंगे। आई विल इंश्योर कि ये बच्चे अच्छे से कर लें। अन एप्लीकेशन पार्ट वी विल कीप लर्निंग थ्रू आउट इन द फिजिक्स, जहां पर यूज आएगा मैं बताते चलूंगा, इसमें कम्फर्ट जो, ठीक है, ओके बच्चों। चलो तो बच्चों अभी हम लोग कैलकुलस में डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने वाले हैं, और हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंशिएशन है क्या। नाम तो लग रहा होगा कि हाँ सर ऐसा कुछ है। डिफरेंशिएशन टेल्स अस अबाउट रेट ऑफ चेंज, डिफरेंशिएशन है क्या, तो अभी बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूं, रेट ऑफ चेंज, ओके। रेट क्या होता है, कोई चीज चेंज होता है। So, बच्चों दो वेरिएबल है ना, एक छोटा सा एग्जांपल, एक दो एग्जांपल लेता हूं, जैसे अगर तू मान लो भी मार्केट जाते हो सब्जी लेने, बच्चों क्या पूछते हो सब्जी के लिए, पूछते हो कि क्या रेट से सब्जी दे रहा, व्हाट इज रेट। रेट का मतलब होता है कि एक केजी सब्जी का कितना दाम, मतलब वहां पे बच्चों दो वेरिएबल होता है, एक होता है मनी और एक होता है अमाउंट ऑफ सब्जी। तो जितना सब्जी तुम लोगे उसके अकॉर्डिंगली उतना पैसा देना पड़ेगा, दो वेरिएबल है ना। तो सबसे पहले तुम क्या पूछते हो कि रेट क्या है, या तुमने कुछ ले लिया कि 5 किलो ले लिया सब्जी, अब तुम्हें उसको पैसे देना है, तुमने वो कहेगा कि इतना रुपया देना है, तो तुम फिर उससे पूछा यार किस रेट से लगाया है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, रेट का एक और एग्जांपल बताता हूं बच्चों। तुम बाइक चलाते हो, बाइक चलाते हो, तुम्हारा डिस्टेंस चेंज होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, तुमने डिस्टेंस मेजर किया अपने घर से, तो डिस्टेंस बढ़ रहा टाइम के साथ, तो एक वेरिएबल है टाइम और एक वेरिएबल है डिस्टेंस।
तो डिस्टेंस किस रेट से चेंज हो रहा है टाइम के साथ, इसको क्या बोलते हैं, इसी को तुमने तुम्हें स्पीड है ना, तो वो स्पीड क्या है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ किस क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ भी क्या है बच्चों, दो वेरिएबल है, एक डिस्टेंस और एक टाइम, ओके, और वो चेंज हो रहा है। तो जैसे सपोज अगर तुमने घर से निकले और 50 किलोमीटर दूरी गए तो डिस्टेंस चेंज हुआ 50 किलोमीटर, और तुम्हें टाइम लगा 2 घंटे, और तुम्हारा दोस्त पूछेगा बच्चों किस रेट से मेरा दोस्त आया, तेरा स्पीड क्या था, 50 किलोमीटर डिवाइड बाई 2 आवर कर दिया, और कह दोगे कि 25 किलोमीटर कैसा रहा है, एवरेज रेट, एवरेज वर्ड लगा दो है ना, लेकिन तुम्हें पता है कि एवरेज रेट ये है, इसका इट डजंट मीन कि तुम्हारा थ्रू आउट गाड़ी जो है 25 किलोमीटर पर आवर से चला है, वहां पे स्पीडोमीटर जो दिखाएगा अलग टाइम पे अलग स्पीड दिखाएगा, वो बताता है बच्चों एवरेज नहीं, वो बताता है इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है, उस मोमेंट का स्पीड बताता है। तो यही सारा चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में, इज इट क्लियर। तो मैं अभी थोड़ा सा मैथमेटिक्स से समझा रहा हूँ, समझाना मैथमेटिक्स से और आसान ही होगा। तो बच्चों यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ कि देयर आर टू वेरिएबल, अभी ग्राफ ये सब हमने देख ही लिया है बच्चों, इसको एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिए, ये वाई एक्सिस है, इस पे जो क्वांटिटी रखते हैं जनरली इसको बोलते हैं बच्चों इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इस वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी रखते हैं उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल और वाई और एक्स में कुछ रिलेशन है, जैसे तुम हमने कहा कि सब्जी लेने गए तो कितना पैसे दे रहे हो वो डिपेंड करा है कि तुमने कितना सब्जी लिया, तो कितना सब्जी लिया वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और कितना मनी दोगे वो डिपेंडेंट है, 2 kg सब्जी लिया तो इतना पैसा, 3 kg लिया तो इतना पैसा है ना, द मनी विल डिपेंड हाउ मच अमाउंट यू हैव टेकन। तो वाई और एक्स में बच्चों एक ग्राफ ले रहा हूं, ऐसा ग्राफ तुमने ड्रॉ किया, हम लोग ग्राफ देखे हैं, बहुत अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और मैं पहले बता रहा हूं कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ सकता है पूरा, बट ध्यान से देखना सुनना, इसके बाद वाला जो आएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझा रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, और ये हर कोई हर टीचर इसको नहीं समझाता है बिकॉज इसमें थोड़ा टाइम लगता है, बच्चों को लगता है कोई फायदा नहीं हो रहा है क्या पढ़ा रहा है, बट बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आगे तुम एप्लीकेशंस पार्ट में बेहतर करोगे अगर तुम यहाँ पे ध्यान दोगे तो, ओके। सो बच्चों हम लोग कैसे शिफ्ट करेंगे, कैलकुलस क्या है वो यहां से पता चलेगा, एकदम ध्यान से देखते रहना। क्लास हमारा कितने बजे तक है बच्चों? सर 6:30 6:45 तक। अरे क्या करे बच्चे, तो ऐसे ऐसे 7 बजे तक लो, 7:30 तक लो, क्या करना है बताओ। हाँ सर ले लो 6:45। मुझे ऐसे बच्चे चाहिए। एक कर रहा सर 4 मिनट्स लेफ्ट, ये आईपीएल चल रहा है क्या, 4 मिनट बाकी है स्टार्ट होने में, 2.5 मिनट का टाइम ब्रेक है। नहीं सर 4 ओवर बाकी है। आईपीएल तो बंद भी हो गई। बंद हो गई, बहुत अपडेट कर रहे हो सर, कोविड के कारण पोस्टपोन कर दिए सर। तुम लोग भी बच कर रहना बच्चों, ध्यान देना, बाहर नहीं जाना है ना, सेफ्टी रखना है, मास्क लगाना है प्रॉपर है ना, बहुत बहुत मुश्किल समय चल रहा है अपने देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए इनफैक्ट, सो केयर करना है, ओके बच्चों। आई होप तुम लोग सारे बच्चे समझदार हो। चलो तो बच्चों हम लोग अभी ना 6:45 तक पढ़ रहे हैं, am I right? Yes sir, yes sir. ये 51 हो गया, देखते हैं 6:45 पे कितने बच्चे बचते हैं, 50 51 जाता है या 15 हो जाता है, पलट तो नहीं जाता गेम, देखते हैं बच्चों, बट मैं तो पढ़ाऊंगा है ना। चलो तो रेडी,
अच्छा एक y वर्सेस x एक ग्राफ लिया है बच्चों और एक पॉइंट यहाँ है, मान लो इसको P लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट है सपोज x1 कॉमा y1 और यहां से हम चले गए यहां पे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है सपोज x2 कॉमा y2। बच्चों अगर यहां पे है तो x1, x कोऑर्डिनेट है x1, कोरेस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट है y1 और अगर हम यहां आ गए दैट मीन्स x कोऑर्डिनेट हमने चेंज कर दिया है x1 से x2, तो y डिपेंड करता है x पे, इसलिए y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गया है y1 से y2। यू विल से दैट कि सर आपने x में कितना चेंज किया, by what amount you have changed in x? So मैं कहूंगा पहले तो x1 था ही, अब x2 हो गया, तो जो x में चेंज है वो इतना है बच्चों, है कि नहीं? x2 minus x1, yes sir। अब मैं कहूंगा कि x में चेंज किया तो क्या y में चेंज होगा कि नहीं? जैसे मान लो तुमने कहा कि एक किलो सब्जी लिया है ना, और फिर सोचा नहीं यार एक किलो नहीं पांच किलो लेते हैं सब्जी, तो कहोगे पांच किलो चार किलो बढ़ गया तो कितना पैसा बढ़ा, तो वो इतना बढ़ा y2 minus y1, ये हुआ x2 minus x1, am I right? या अगर बाइक से जा रहे हो, घर से चले पहले एक फ्रेंड के यहाँ रुके, फिर वहां से कहीं चले, तो अभी हमने इतना चेंज किया है x में, तो y में इतना चेंज हुआ है। जिसे मैं अभी एग्जांपल बताया था कि अपने घर से निकले एक फ्रेंड के यहाँ रुके, फिर दूसरे फ्रेंड के यहाँ गए, इसके बीच में चलो मान लो दो दो घंटे टाइम लगे जाने में, टू आवर्स, और मैं कहूँ कि 50 किलोमीटर चला है, मैं बताऊंगा कि इससे इसके बीच में जाने में व्हाट इज एवरेज स्पीड, तो तुम कहोगे कि सर 50 किलोमीटर चले हैं और कितना आवर लगा, टू आवर्स और 25 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द रेट ऑफ चेंज। सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली यहां पे समझना, ध्यान देना, मैं बताऊं कि इफ देयर इज चेंज इन एक्स बाय एक्स टू माइनस एक्स वन, देन कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन y is y2 minus y1, क्या पूरा लैंग्वेज सुन पाए तुम लोग? corresponding के बाद बताओ सर। If there is change in x by x2 minus x1, then corresponding change in y, उसके corresponding y में कितना चेंज है, y2 minus y1। तो y2 वो पूरा सीधा है क्या? एंजॉय करने वाला हो तुम, डिफरेंशिएशन बहुत एंजॉय करने वाले हो, सिर्फ टफ पार्ट ये है, इसके बाद सब आसान हो जाएगा, लेकिन ये टफ है सर। हाँ सर, वो y2 पूरा है क्या? हाँ एक सेकंड, हाँ y2 ये पूरा, ये कितना है y2 minus y1, y2 minus y1, y1। तो बच्चों इसको जो इतना लैंग्वेज लिखा है उसको मैं ना इतना बड़ा लिखने में देखो मुझे भी टाइम लगा, तुझे भी टाइम लगेगा, तो मैं इसको ना ऐसे थोड़ा लिखता हूँ, अपना कन्वेंशन बनाता हूँ बच्चों। इफ देयर इज अ चेंज इन x by x2 minus x1, then corresponding change in y is y2 minus y1, ऐसे सिंबल बना लिया, ऐसे लिख दूं? अब इतना बार बार लिखने के लिए रखते, क्या बोला मैंने सर? वो सिंबल कॉरेस्पॉन्डिंग का,
अरे ऐसे ही मतलब लिखने के लिए बचने के लिए थोड़ा शॉर्टकट अपना शॉर्टकट बना दूं। इफ देयर इज अदरवाइज मैंने यहां लिख ही दिया तुम्हारे लिए लिख दिया अदरवाइज मैं हर बैच में लिखता नहीं हूं। इफ देयर इज अ चेंज इन x y x2 minus x1 corresponding change in y is y2 minus y1 okay। अब मैं बात करूं जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों कि तूने घर पे सब्जी लाया 5 किलो और उसको रुपए दिए 50। पापा पूछेंगे बेटा किस रेट से सब्जी दिया है क्या दस रुपए तो रेट ही पूछेंगे ना दस रुपए प्रति किलो वो कैसे निकाला तूने 5 किलो का 50 तो 1 किलो का कितना 50/5। So, वैसे ही मैं x2 - x1 में इतना हुआ है तो अगर x में यूनिट चेंज हुआ बच्चों x में कितना चेंज वहां भी 1 kg का लिया ना तो यूनिट चेंज होगा तो y में कितना चेंज होगा बच्चों सर सेम चेंज होगा कितना होगा ना चेंज सर लाइन का स्लोप भी निकाल लिया ना पहले ध्यान से सुनना मैंने क्या किया अगर इसमें इतना चेंज हुआ तो y में इतना हुआ तो x में यूनिट चेंज किया यूनिट और मैंने एग्जांपल बता दिया प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया बच्चों तो y में कितना चेंज होगा y2 minus y1 divided by this divided by this 50 rupees plus 5 kg सर यूनिट ही चेंज होगा अरे बताओ अरे क्या दिक्कत आ रही है50 किलो की सब्जी वाली सलील तू मार्केट से लेके आया 50 rupees में 5 kg की सब्जी लाया मैंने पूछा है तुम्हारे पापा पूछेंगे कि बेटा किस रेट से सब्जी लिया तो क्या करोगे सर 10 rupees पर 1 kg कहोगे 5 kg का 50 rupees तो रेट का मतलब क्या होता है यूनिट 1 kg का कितना 50/5 10 rupees पर केजी isn't it यस सर तो ये 5 या डिवाइड 5 तो वैसे ही बोलो बच्चों एकदम ध्यान से देखना बहुत ही सिंपल सा है इसलिए मैं एकदम कैजुअली ले रहा हूं बहुत ही आसान है इतना में इतना चेंज तो यूनिट एक्स में कितना चेंज क्लियर इसी को कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोलो बच्चों y चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट लेकिन बच्चों इसको एवरेज बोलू क्या क्योंकि हम इंटरवल ले रहे हैं जैसे हमने बाइक का एग्जांपल लिया था तो उसमें 2 घंटे में 50 किलोमीटर चला था तो एवरेज था ना वो हमेशा तो नहीं रहा वो yes. तो वैसे ही बच्चों yes, अब सारे बच्चे बताना कि y2 minus y1 upon x2 minus x1 को क्या बोलूं कैन वी से दैट दिस इज एवरेज एकदम सारे बच्चों का ध्यान इधर रहेगा मैं दोबारा नहीं बोलूंगा एवरेज रेट रेट क्यों बोल रहे हैं बिकॉज यूनिट में ले गए एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट एक्स अब देखो शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं डब्ल्यू आर टी अब आगे भी ऐसे लिखूंगा मैं अभी समझा रहा हूं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इट क्लियर यस सर अगर बच्चों मैं एग्जांपल दूं कि सब्जी वाले से तुमने लिया 5 kg तो 50 रुपया दिया हो सकता था तुम कहते कि मुझे 1 ही kg लेना है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताओ क्या वो 10 रुपए ही देगा या थोड़ा सा ज्यादा मांगता है ज़्यादा 1 kg का तो मैं 12 रुपए लूंगा होता है कि नहीं हाँ सर यस सर
और हो सकता है वो कहता कि नहीं मैं 10 केजी सब्जी लेता हूँ तो हो सकता है वो 100 के जगह पे कहता है चलो मैं 2 रुपया और कम करता हूँ 98 रुपये में देता हूँ। मतलब कि एवरेज रेट ऑफ चेंज अलग अलग इंटरवल में अलग हो सकता है। अलग अलग रेट में अलग अलग हो सकता है, जैसे मैंने स्पीड वाला भी एग्जांपल लिया, अलग अलग आवर में अलग हो सकता है स्पीड, है ना, एवरेज स्पीड डिफरेंट इंटरवल में। जैसे तुम कहीं एक एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हो तो जहां पे रोड खाली है वहां पे तुम्हारा स्पीड ज्यादा होता है, जहां पे क्राउडेड है जहां सिग्नल्स हैं वहां पे स्पीड तुम्हारा कम हो जाता है। उस इंटरवल में आप स्पीड जहां पे क्राउडेड है जहां पे ज्यादा सिग्नल्स हैं कम हो जाएगा, होगा कि नहीं। सो एवरेज स्पीड विल डिपेंड कि हम कौन सा इंटरवल चूज कर रहे हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरवल। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर। बच्चों ऐसा इंटरेक्ट करते रहना, बातें करते रहना, सारे बच्चे भी बात करेंगे बोलेंगे, ऐसा नहीं कि चुप होकर के, बहुत सारे बच्चे तो बैठे भी नहीं होंगे। यस सर। आयुष काले बैठे हो क्या या कहीं घूमने चले गए? यस सर हूं। बैठे भूमिका आर यू देयर? यस सर। यस सर। गुड, सबसे बातचीत करते रहता हूं, है ना। मृत्युंजय आज कुछ समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से निकल रहा है? आज तो कुछ समझाया नहीं। आ रहा है सर समझ में। परेशान नहीं होना, है ना। हाँ सर आ रहा है। ओके बच्चों। नहीं सर। तो बच्चों अभी ध्यान से सुनना, इसको अभी हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ तक हम क्लियर है? अब मैं बात करता हूँ बच्चों, क्या करो इसको मिला दो लाइन से, P और Q को मिला दो बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन बन गया। ये स्ट्रेट लाइन इस कर्व को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है सर? दो पॉइंट पे कट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट या सेकंड? टेंजेंट बोलते हैं। सेकंड बोलते हैं, मुझे भी लगता है ऐसा, शायद सेकंड बोलते हैं। तो बच्चों कह सकते हैं हम ये सेकंड है, और सेकंड का मुझे स्लोप बताओ, तो स्लोप क्या है? टैन थीटा। सर टैन थीटा। टैन थीटा y2 - y1 - y2 - y1 - y2 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 - y2
मतलब बच्चों ये है क्या, ध्यान से सुनना, देखना कैसे रिलेट कर रहा हूं। ये क्या है, दिस इज स्लोप ऑफ द सेकंड पी क्यू, दिस इज स्लोप ऑफ बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ क्या, समझ में आया? Yes, sir. मतलब अगर ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, दो पॉइंट का इंटरवल मिलेगा, तो जो सेकंड का स्लोप है वो बताता है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एम आई राइट? यस सर। स्लोप ऑफ द सेकंड इज अबाउट एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इतना हमने अभी समझा 10 मिनट के डिस्कशन में। यस सर। यस सर। So, बच्चे निकलने का रेट तो अभी थोड़ा स्लो हो गया, 50-51 था, 50 हुआ है ना, मतलब तुम लोग समझ रहे हो लगता है थोड़ा थोड़ा, अदरवाइज तेजी से निकलते हैं बच्चे लास्ट मिनट, लास्ट 10 मिनट्स। बट बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूँ, तो निकलोगे तो तुम लोग पछताओगे, और मैं तो क्लास नहीं छोड़ने वाला, ऐसे ही मैं बड़ा फेमस हूँ क्लास एक्सटेंड करने के लिए, मेरा क्लास हर बार 10 मिनट तो लेट, कम से कम 15 मिनट जाएगा। बच्चों यहां देखना, अब मैं एक काम करता हूं बच्चों, इस क्यू पॉइंट को ना थोड़ा इधर ले आता हूं, और इसको ना वाई टू माइनस वाई वन को बोलेंगे चेंज इन वाई, क्या बोलूंगा, चेंज इन वाई डेल्टा, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों डेल्टा से, तो डेल्टा वाई का मतलब हुआ बच्चों चेंज इन वाई, तो पहला चीज डेल्टा का मतलब चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल, तो ये हो गया बच्चों डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स
तो जैसे मैं लिख रहा हूं वही लिखना. दिस इज व्हाट इज दिस दिस इज डिवाइड बाय डी एक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. बच्चों हमारे पास थोड़ा कंस्टेंट है, बोर्ड बड़ा छोटा है, इसमें थोड़ा बड़ा बोर्ड चाहिए, बट क्या करें ऑनलाइन है. और यही क्या है बच्चों स्लोप ऑफ द सेकेंड. यही चीज एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यही स्लोप ऑफ द सेकेंड है. बच्चों हम ध्यान से देखते रहना, अगर मैंने Q पॉइंट को यहां लिया, इंटरवल को कम कर दिया बच्चों, ये डेल्टा x, अभी इतना बड़ा इंटरवल था, अब इतना बड़ा हो गया. तो अब बताओ इस इंटरवल में एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कौन सा स्ट्रेट लाइन का स्लोप बताएगा. तुम कहोगे सर ये दो पॉइंट को मिला दो, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कुछ अलग आया. मैं कहता हूं क्यू पॉइंट को और नजदीक ले आओ, यहां पर ले आओ. सारे बच्चे ध्यान से देखना, डेल्टा एक्स को क्या कर रहा हूं छोटा कर रहा हूं. बच्चों यहां ले आए तो कहोगे सर इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप बताएगा इस इंटरवल में एवरेज रेट ऑफ चेंज. इसको डेल्टा एक्स को ना क्यू को और पास पी के पास ला रहे हैं. डेल्टा एक्स को और छोटा करें, और छोटा, बहुत छोटा, 0.1 और छोटा करते हैं, 0.0001. कहने का मतलब Q को ऑलमोस्ट P पे ले आओ, एकदम P के पास, P पर ही एग्जैक्टली नहीं, ऑलमोस्ट P के पास. मतलब डेल्टा एक्स उस समय कितना हो जाएगा बच्चों, डेल्टा एक्स अपॉन डी ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा. क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट जीरो. तो इंटरवल को कम करते गए बहुत कम कर दिए, बहुत छोटा, ऑलमोस्ट क्यू के पास, पी के पास ही नेग्लिजिबल. अब बच्चों बताना ये जो दो लाइन सेकेंड बना रहे थे वो पी और क्यू तो एक ही पॉइंट पे है बच्चों, क्यू तो ऑलमोस्ट सही आ गया ना. ये बताओ जो अभी जो लाइन ड्रॉ कर रहे थे वो सेकेंड सेकेंड रह जाएगा कि अब टेंजेंट बन जाएगा. इंटरवल जो था वो अब इंटरवल कुछ है कि वही पॉइंट बन गया, उसी पॉइंट पे बात इंस्टेंट पॉइंट ऑलमोस्ट वही है. इंटरवल जीरो हो गया है ना, अब इंटरवल नहीं रहा, उसी पॉइंट पे बात कर रहा है. तो बच्चों जब हम बात करें कि डेल्टा, देखो अब हम कैलकुलस में शिफ्ट कर रहे हैं बच्चों, कैलकुलस में शिफ्ट कर रहे हैं. देखो एक नया डायमेंशन आ रहा है मैथमेटिक्स का कि डेल्टा एक्स को छोटा कर दिया, छोटा कर दिया, कितना छोटा कर दिया, ऑलमोस्ट जीरो कर दिया. सो दे राइट इट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो. परेशान मत होना कि सर ने क्या लिख दिया, लिखने का तरीका है लिमिट, LIM से रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स जीरो तरफ जा रहा है. तो बताना ये जो है यहां पे लिखते थे एवरेज रेट, अब इसमें क्या लिखूं, एवरेज लिखूं या इंस्टेंटेनियस लिखा उसी पॉइंट, इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे है ना, एवरेज बट हट जाएगा कि नहीं. यस सर. तो देखो यही समझना था बच्चों, यही जिसको समझ में आ रहा है कि हाँ सर यहाँ पे एवरेज और यहाँ पे डेल्टा एक्स छोटा कर दिया तो एवरेज बट हट जाएगा. दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई with respect to x in the interval, नहीं यहां पे था बच्चों with respect to x in interval delta x है ना, या interval x2 minus x1. यहां पे कहेंगे at a point at instant. Instant तब यूज करते हैं बच्चों जब हम टाइम की बात करते हैं ना, instant is related to time.
तो जब हम स्पीड वाला बात करेंगे ना तो इंस्टेंट यूज करेंगे जयदीप, मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। बच्चों यहाँ पे देखना, ये नोट डाउन कर देखना, इसको क्या लिखूं? जयदीप जयदीप रुक जाओ, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, तुम्हें समझ में आ जाएगा, पहले यहाँ पे फोकस करो, तू सुनता नहीं है, सिर्फ पूछता है। What is this? Slope of secant या slope of tangent? Slope of tangent. So, मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, first listen me, पूरा ध्यान से सुन लो, most of the चीजें मैं repeat भी कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा, first listen it completely, still doubt रहता है तो पूछो। Slope of tangent. Slope of tangent कहाँ पे? Tangent to the curve. Curve का tangent at a point. At that point है ना? So बच्चों अब ध्यान से सुनना, पहले secant का slope जो बताता था वो average rate of change बताता था, tangent का slope बताएगा उसी पॉइंट पे उसी इंस्टेंट अगर टाइम से रिलेटेड है पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चों, यही क्रम है। लेकिन देखो ये देखने में ही डर लग रहा होगा, जयदीप को तो बहुत डर लग रहा होगा, स्वानंद तो चला भी जाऊंगा, स्वानंद कनेक्टेड हो क्या? स्वानंद यस सर। स्वानंद इससे तो डर लग रहा होगा तुझे, ये क्या लिख दिया इतना बड़ा, उसने पूछना भी बंद कर दिया स्वानंद ने। डोंट वरी नहीं सर, छोटा कर देते हैं स्वानंद तुम्हारे लिए, इसको थोड़ा छोटा कर, देखो उसको परेशान। सारे बच्चे देखना सर, तो डरावना चीज है ना, डरावना चीज है। आयुष रुक जाओ एक मिनट, मुझे पता है तुम्हारा डाउट्स क्या है। फर्स्ट लेसन, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो है ना, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, तो इसको ना डी एक्स लिख देते हैं। डेल्टा एक्स मतलब जब चेंज इन एक्स बहुत छोटा हो तो लिखेंगे डी एक्स, तो डी एक्स का मतलब क्या हुआ? वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी, कि जब डेल्टा एक्स बहुत छोटा होगा तो उसको हम लोग क्या लिखने के लिए कन्वेंशन बना रहे हैं? dx। अब बच्चों जब x में बहुत छोटा चेंज है तो y में क्या बहुत बड़ा चेंज होगा क्या? नहीं सर। नहीं सर, नहीं सर। क्या हो जाएगा? dy हो जाएगा। Isn't it? Yes. तो इस पूरे क्वांटिटी को ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, dy a small change in y upon a small change in x, यही है ना, इसी क्वांटिटी को हमने लिया। और अब इसको लिख देते हैं क्या है, देखो अब कैलकुलस में शिफ्ट कर गए हो बच्चों, इसी को हमने ये लिख दिया है, और ये है क्या डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और ये ग्राफ में किसके बराबर है? स्लोप ऑफ tangent to the curve at that point। बच्चों जैसा मैंने लिखा है वैसे ही नोटबुक में लिखना है। सर वो लास्ट स्टेटमेंट वापस रिपीट करो क्या सर? रिकॉर्डिंग सर। जयदीप जो यहाँ पे लिखाया था उसी चीज को दोबारा यहाँ लिख दिया जयदीप, सिर्फ इस क्वांटिटी को हमने ये लिख दिया है। That's it. Yes, sir. समझ गए। सर 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 अथर्व बोलो सर, सर जब स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा तो फिर उसकी वैल्यू भी बहुत
मिनिमल होगी ना। अच्छा तुम लोगों का एक दिन पढ़ाया था क्या जीरो बाय जीरो? नहीं सर वैल्यू तो सर एक्सक्यूज मी सर एक्सक्यूज मी सर जीरो बाय जीरो बताया था जिसने भैया? हाँ सर उससे पहले दोनों का रेशियो बहुत छोटा हो ये जरूरी नहीं है। कैन टेक एनी वैल्यू, एक 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। सर हमने dy by dx लिखा, लेकिन डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर तो dx by dy होता है ना? अभी आ रहे हैं, बता रहे हैं अभी, अभी कहाँ? एक-एक चीज मैं एक-एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सर। सर। पायुष। सर वो पहले हमने स्लोप ऑफ द सेकेंट लिया था, फिर वो बाद में टेंजेंट। सर तुझे सच्ची में तू आएगा ना तुझे पिटाई होगी, तू ध्यान से सुनता नहीं यार, कितनी बार बताया बोला मैंने आयुष तू इस चीज के लिए चार बार से पूछ रहा है, देखो रिकॉर्डिंग में भी आ रहा है। बच्चों स्लोप ऑफ सेकेंट से स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे लिख दिया किसी को पता चला है? सर आयुष मैंने एक्सप्लेन किया था इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ आयुष जयदीप एंड बाकी बच्चे, इट्स नॉट कि तुम्हें डिस्करेज कर रहा हूँ पूछने से, आई एम सेइंग दैट कि यू शुड फोकस ऑन लिसनिंग द थिंग। मैं जो इम्पोर्टेंट चीज होता है ना उसको मैं दोबारा तीसरी बार बहुत स्लोली समझाता हूँ, सो व्हेन यू विल लिसन द होल थिंग मोस्ट ऑफ द थिंग क्लियर हो जाएगा। एंड मुझे लगता है हालांकि ये ऑनलाइन है बच्चों, इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट मे हैपन कि तुम क्या हुआ वो ब्रेक हो गया होगा उस समय, तुम्हारा नेटवर्क चला गया होगा जिस समय मैं समझा रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड दिस, बट फ्रीक्वेंटली होता है तो मुझे भी लगता है कि बच्चे ध्यान नहीं देते, सुनते नहीं है, मैं जब बता रहा हूँ तो कुछ और सोचते रहते हैं। सो वंस सारे बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, जब मैं कुछ समझा रहा हूँ सो योर फोकस शुड बी ऑन दिस, है ना, तुम फिर पीछे की चीजों के कुछ और चीजें नहीं उस समय देखो, उस समय उस चीजों को सुनना, सो सडनली तुम्हारा क्या हो जाएगा लर्निंग प्रोसेस बहुत इंप्रूव होगा। बहुत बार क्या होता है बच्चे, तुम लोग अभी बच्चे हो, क्या होता है कि मैंने कुछ सवाल सपोज एक बार दे दिया, अभी आगे ऐसा होगा डांट इस पे लगेगी क्लास में खासकर होता है, मैंने कोई सवाल दे दिया और तुमसे वो सॉल्व कर दो, मैंने फिर सफिशियंट टाइम दे दिया 3 मिनट 4 मिनट जो भी हो, फिर मैं लगा कि ठीक है दूसरे सवाल पे आ रहा था। बहुत बार क्या करते हैं बच्चे, पहला उनसे सपोज नहीं हुआ, मैंने समझा भी दिया फिर भी लगा नहीं उनको खुद से करना, जब मैंने सेकेंड सवाल दे दिया तो बच्चे तब तक फर्स्ट सवाल ही करते रहते हैं, मैं सेकेंड सवाल चल रहा, तो क्या होता है कि बच्चों को ना तो फर्स्ट सवाल क्लियर होता है और सेकेंड सवाल फिर स्किप हो जाता है ना। तो स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन ये रहेगा हमारे तरफ से बच्चों कि जब हम बोर्ड पे जो चीज समझा रहे हैं लीव द अदर थिंग्स पार्ट, उस चीज पे फोकस करो सो दैट कि ये चीज हम हमारे से पास से ना जाए। एम आई राइट बच्चों, सही बोल रहा हूँ? हमने सेकेंट और टेंजेंट का बहुत प्यार से 2 बार 3 बार कहा, बट स्टिल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आयुष ने गलत किया या सबने ये किया, हो सकता है वो डिस्कनेक्ट हो गया होगा, दैट आई नो द फैक्ट, बट स्टिल सारे बच्चों को ध्यान देना। ओके चलो हमारा 5-4 मिनट इस पे चला गया बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे यार तू रिकॉर्डिंग हो रहा था, चलो तो आयुष मैं एक बार बोल लेता हूँ कि वो 2 पॉइंट से पास करता है तो सेकेंड है, और चूंकि वो पॉइंट को ऑलमोस्ट वही ले आए तो वो क्या हो गया एक ही पॉइंट बन गया, इसको क्या बोलते हैं टेंजेंट बोलते हैं, और तुम ही लोग ने बताया। यस अच्छा इसको इसको हमने लिखा है बच्चों, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, आज यही तक फिनिश कर दूंगा, ज्यादा देर नहीं लूंगा,
बट स्टिल अच्छा लग रहा है कि 47 बच्चे हैं अभी, तीन चार बच्चे निकले हैं बाद में. dy अपॉन dx ये इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ, ध्यान से सुनना, दिस इज कॉल्ड, जिसको हमने समझाया है क्या, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, वो वाला, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ y y विद रिस्पेक्ट टू x. और ये है क्या डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x का, बच्चों हम समझ गए हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना. और ये ग्राफ में क्या बताता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टाइम के साथ और समझ में आएगा. इसी चीज को बच्चों ऐसे भी लिखते हैं, दिस कैन बी रिटन एज इन दिस वे, डी अपॉन डी एक्स. सारे बच्चे ध्यान सुना, दिस इज ऑल्सो रिटन इन दिस वे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, मतलब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर. इसको क्या बोलते हैं बच्चों, डिफरेंशियल ऑपरेटर. अब कोई महान काम मत कर देना कि ये डी और ये डी कट कर दिया, या ये डी और ये डी कट कर दिया, ऐसा महान काम करना है कि नहीं करना है. ये कट नहीं होता, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है बच्चों, इसको ऐसे ही लिखते हैं. ओके, तो कोई बच्चा ऐसा कट नहीं करेगा सर. अब सुनना, डी अपॉन डी एक्स को बोलेंगे ये क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर. ये क्या करता है, ये डिफरेंशिएट करता है, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता है, एक्स के रेस्पेक्ट, वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट. और यहाँ जो रहे समथिंग विद रिस्पेक्ट टू, हाँ, यहाँ आई हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, जो भी रहेगा, है ना. जैसे अगर लिखा रहेगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो बच्चों ये एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट, डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिया रहेगा यहाँ पे साइन एक्स, है ना, डिफरेंशिएशन साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. ओके, ऐसे रहेगा डी अपॉन डी टी ऑफ, ठीक है ना, टी क्यू, इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ टी टू द पावर थ्री विथ रेस्पेक्ट टू टी. या ऐसे लिखा हुआ मान लो जेड, डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विथ रेस्पेक्ट टू टी. So, differential operator समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, समझ में आ गया. तो आज अगर पापा तुमसे पूछेंगे बच्चों कि बेटा आज क्या पढ़ा, तुम कहोगे differentiation. पूछेंगे differentiation क्या है, तो क्या बताओगे, differentiation tells us about बेसिक फॉर्मूला. We will learn some rules, we will solve the questions, and you will certainly enjoy. जो tough part था वो हो गया, more or less समझ में आ गया, थोड़ी डांट भी लगी, don't worry. तुम लोगों ने बताया था शायद एक दिन, डांट क्या होता है टीचर का, आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद. सवाल तुम्हारे लेते हैं, इसको बोलते हैं differential operator. Okay sir. क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में. डी अपॉन डी टी है, ये किसके रेस्पेक्ट में कहता है, टी के रेस्पेक्ट में. किसको डिफरेंशिएट, कोई भी हो सकता है. यहाँ के बाद नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे बच्चों.